हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपको ले चलते हैं जबलपुर शहर की एक और विजिटिंग प्लेस पर, जिसका नाम है बरगी डैम। बरगी डैम जबलपुर शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित है। आप चाहें तो पर्सनल व्हीकल से भी जा सकते हैं, या फिर चलो बस नाम से सिटी बसेस भी चलती हैं, जो कि आपको बरगी तक 50 रुपीज़ में ड्रॉप कर देंगी। चलो बस आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और तीन पत्ती के मेट्रो बस स्टॉप से मिल सकती है। तो दोस्तों, जब तक हम बरगी डैम पहुंच रहे हैं, तब तक दिमाग पे थोड़ा जोर डालते हैं और सोचते हैं आखिर डैम होते क्या है और बनाए क्यों जाते हैं। डैम बेसिकली एक बैरियर या एक विशाल दीवार है, जो कि सरफेस वाटर जैसे नदी के पानी को रोककर बनाया जाता है। तो दोस्तों, बहते पानी के बीच में एक बड़ी सी दीवार बनाने से रिजर्वॉयर क्रिएट हो जाता है, जो कि ना केवल बाढ़ आने से रोकते हैं, बल्कि सिंचाई, इंडस्ट्रियल यूज और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध कराते हैं। बरगी डैम जाते समय आपको रास्ते में काली माता की एक बड़ी सी मूर्ति देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, हम फाइनली पहुँच चुके हैं बरगी डैम। बरगी डैम नर्मदा नदी पर बने 30 प्रमुख बांधों में से एक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितने सारे लोग यहाँ का माहौल देखने आए हैं, और आप देख ही सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है। तो दोस्तों, आप जब भी यहाँ घूमने आए, पानी के बहुत पास ना जाएं, और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका तो हाथ पकड़ के ही रखिएगा, और क्योंकि आप पानी का बहाव देख ही सकते हैं कितना तेज है। वैसे तो यहाँ पर पुलिस की ड्यूटी भी लगी हुई है फिलहाल, तो फिर भी दोस्तों सावधानी बरतना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम आपको डैम के ऊपर का व्यू दिखाते हैं, जिसके लिए हमें ये जो पुल दिख रहा है ये क्रॉस करना होता है। पुल पर भी आप सावधानी रखें, क्योंकि सेल्फी और फोटोज लेने के चक्कर में भी कई बार दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। तो आप देख ही सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है कि वो पुल को ही टच कर रहा है, और कुछ लोग अपनी कारों को पुल के बीच में खड़ी करके अपना फोटो सेशन कर रहे हैं आराम से। थोड़े ही दूर चलकर हमने साइड एंगल व्यू भी लिया, ताकि हम दूर से आपको डैम के सारे ही गेट्स दिखा सकें। तो आप देखिए, यहाँ से सारे गेट दिख रहे हैं और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है। तो दोस्तों, बरगी डैम को रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी पर बने इस बांध की ऊंचाई 69 मीटर है। क्या दोस्तों, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध कौन सा है और उसकी ऊंचाई क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली डैम के ऊपर जाने वाले रास्ते पर। तो आप देखिएगा, आगे से एक छोटा सा रास्ता दिखाई देगा, ये है वो छोटा सा रास्ता, और ये जो सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इन्हीं से हमें ऊपर जाना है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं ऊपर। और ये जो सामने ये छोटा सा ब्रिज दिख रहा है, ये देखिए टूट गया है, इसमें बीच बीच में गड्ढे हो गए हैं, ये कभी भी टूट सकता है। और ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं, इन्हीं से अपने को ऊपर जाना है जल्दी जल्दी। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर। तो ये देखिए, हम फाइनली आ गए हैं ऊपर, और यहाँ से आप देख सकते हैं डैम का नज़ारा कैसे दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपकी निगाहें जाएगी, वहाँ तक आपको बस पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये दो दोस्त बैठे हैं जो कि बतौलेबाजी कर रहे हैं। बरगी डैम का निर्माण कार्य 1974 में शुरू हुआ था और 1990 में कंप्लीट हो चुका था। तो दोस्तों, इस बांध से 90 मेगावाट की पावर भी जनरेट की जाती है। बरगी बांध से सिंचाई के लिए दो नहरें भी निकली हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, गेट की ओर। यहाँ पर टोटल 21 गेट हैं, जिसमें से 15 गेट खोले जा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, गेट्स पे नंबर लिखे हुए हैं,
और अब देखते हैं गेट के नीचे का नज़ारा कैसा हो रखा है। तो ये है गेट नंबर 14 और यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही ख़तरनाक दिखाई दे रहा है। हमें तो झांकने में भी डर लग रहा था, इतना पानी का बहाव ही आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो फर्स्ट टाइम ही डैम के गेट खुले देख रही हूँ और मैंने पाया है कि मेन मेड चीज़ों में डैम अपने आप में ही एक अनोखी चीज़ है। तो दोस्तों कुछ देर आप व्यू का मज़ा लें। तो दोस्तों डैम घूमने में बहुत ही अच्छा लगा, अब चलते हैं यहाँ के रिजॉर्ट में। तो दोस्तों ये है रिजॉर्ट जाने का रास्ता जो कि डैम से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं मेकाल रिजॉर्ट, आप देख ही सकते हैं। यहाँ से हमें लेनी होती है टिकट, ये है मेन एंट्रेंस रिजॉर्ट का। यहाँ पर 15 रुपये की टिकट लेनी होती है अंदर जाने के लिए। और चलिए दोस्तों देखते हैं अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत अलग अलग टाइप के झूले हैं, रेस्टोरेंट हैं, कुछ खा पी सकते हैं आप यहाँ पे। और यहाँ पर आप कर सकते हैं बोटिंग या क्रूज में भी बैठ सकते हैं, हाउस बोट है, बहुत ही अलग अलग टाइप की राइड्स हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हमारा स्पीड बोट पे स्पीड बोटिंग करने का मन था तो हमने 150 में टिकट ली थी पर पर्सन। और देखिए यहाँ से चलते हैं अंदर। अंदर आने के बाद यहाँ पर राइट साइड में ऊपर सीढ़ियाँ बनी थी जो कि आप ऊपर जाके ऊपर से पूरे डैम का व्यू देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा व्यू हो रखा है। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, अब हम लोग करेंगे स्पीड बोटिंग। और ये है स्पीड बोटिंग तक जाने का रास्ता और ये रही दोस्तों बोट। तो आप जब भी कोई वाटर स्पोर्ट करें तो लाइफ जैकेट ज़रूर पहने क्योंकि लाइफ जैकेट बहुत ज़रूरी है। और ये हम कर रहे हैं बोटिंग, तो बोटिंग करने में बहुत मज़ा आया। और आप व्यू देख सकते हैं यहाँ का, बोटिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग था, हम लोगों ने बहुत ही इन्जॉय किया और बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों आप भी आपकी फैमिली के साथ यहाँ ज़रूर आएं, वाटर स्पोर्ट्स और डैम का मज़ा उठाएं। अब यहाँ का टूर यहीं करते हैं समाप्त। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।